गुड आफ्टरनून टू ऑल. माई सेल्फ अवधेश कुमार, वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, IMT कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक. टुडे हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. इट मीन्स जो मैनेजमेंट एक प्रकार ऐसा आर्ट है जो कि हमें वर्क करना है लोगों को बीच में रह के, लोगों की सोसाइटी में रह के हमें एक प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, ये भी एक कला है. ये हमारी डेफिनेशन नोट्स में दी है. मैनेजमेंट इज टू मैनेज, मैनेज करना इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. मेरे इसका इट मींस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेज करना, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे हम फॉरकास्ट करेंगे. फॉरकास्ट इस इट मींस प्री प्लान करना कि हमारे जो आगे आने वाले समय में किस टाइप से हमें ये वर्क पूरा कंप्लीट कराना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, देन कमांड करना है, किस टाइप से हम उसको कमांड करें जिससे कि हमारा जो वर्क है वो प्रॉपरली हो जाए, कंप्लीट हो जाए. कोऑर्डिनेट करना, समय समय पर कोऑर्डिनेट करना. तो ये हमारी डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट, क्या हमारी मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है जो कि डेली लाइफ में क्यों हम मैनेज करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मैनेजमेंट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट टू द डेली लिव्स ऑफ पीपल्स, टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास होते हैं. किस टाइप से हमें अपने आज को यूटिलाइज करना है, किस टाइप से हमें वर्क को कंप्लीट करना है, तो जिससे कि हमारा लॉस ना हो और जिससे कि हम जो भी हमारा 24 आवर्स है यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए, वर्क भी कंप्लीट हो जाए. तो इसलिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बेनिफिशियल है, बॉडी लाइफ के लिए भी बेनिफिशियल है कि किस टाइप से हमें ऑर्गेनाइज करना है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है. द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मे बी ट्रेस विद द फॉलोइंग, कुछ इसके फैक्टर्स हैं तो कैसे हम इसको ट्रेस कर सकते हैं. सबसे पहले हमें प्रॉपर क्या करना होगा, एफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे, एफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करेंगे. 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए. जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि हमारी जो जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें, प्रॉपर तरीके से उनसे क्वेरी पूछें, और जिससे कि हमें आउटपुट इजीली हम उस कोर्सेस में पास हो सकें. दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना है, डे बाय डे डेवलप करना है, डेवलपमेंट करना है, यानी कि उनको हमें आगे उस रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट के तरीके से डेवलप करना है. इट इंश्योर कंटिन्यूटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये हमें इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट करना है. इंटीग्रिटी वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे वेरियस एक्टिविटी हैं, वेरियस ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलके हमें काम करना है, प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, जिससे कि हम जो भी हमारा टाइम है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उनका हम 100% यूटिलाइजेशन कर सकें और हमें वर्क को कंप्लीट इजीली, टाइम टू टाइम हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकें और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बना सकें. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर कैसे हम एग्जिस्ट, अपनी इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं. जैसे सपोज हम कहीं किसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं,
तो वहाँ लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। उसको हम अच्छी तरीके से लोगों के लिए कुछ वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के क्या वर्क हैं, यानी कि किस टाइप से मैनेजमेंट को होना चाहिए, किस टाइप से हमें कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो क्या उसकी कार होना चाहिए, क्या उसके किस टाइप से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, तो प्लानिंग का इसको हम किस टाइप से डिसाइड कर सकते हैं। तो डिसाइडिंग इन एडवांस, हमें प्रॉपर कुछ चीज़ें प्रॉपर डिसाइड करनी है जैसे कि हम प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग कर सकें। तो क्या क्या चीज़ें हमें डिसाइडिंग करनी है कि जैसे कि हमें अगर सपोज हमें बेटर अगर आउटपुट अच्छा देना है तो किन किन चीज़ों को हमें डिसाइड करना होगा, व्हाट टू डू, कैसे हमें करना होगा। व्हाट टू डू का मतलब है किस टाइप से हमें करना होगा के, और हाउ टू डू हमें किस कैसे करना होगा, व्हेन टू डू कब हमें वो वर्क कंप्लीट करना होगा, हु इज़ गोइंग टू डू इट, कौन इसको करेगा, ठीक। तो इसको हमें किस टाइप से, तो ब्रिज ए गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, सेट द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आज हम किस पोजीशन पे हैं, प्लानिंग का मतलब होता है कि आज हम किस पोजीशन पे हैं और आगे फ्यूचर में सपोज हम अभी एक स्टूडेंट है, आगे फ्यूचर में हम क्या किस पोस्ट पे, सपोज डायरेक्टर की पोस्ट पे हम जाना चाहते हैं, किसी कंपनी के एज अ डायरेक्टर वर्क करना चाह रहे हैं, तो हमें जो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वर्क करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा, वो हमें किस टाइप से हमें डे बाई डे उस जो हमारा टारगेट है किस टाइप से हम अचीव कर सकते हैं, उस गैप को कंप्लीट करने में हम डे बाई डे उस गैप को धीरे 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 उसको कंप्लीट करेंगे और डे बाई डे हम उसका इवेल्यूएशन करेंगे और फिर हम आगे फ्यूचर में जो भी हमारा गोल था एज अ डायरेक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनना, तो वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि हमें कंपनी की सेल को इम्प्रूव करना, तो कैसे हम कंपनी की सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं सेल्स को, तो द मैनेजर फर्स्ट नीड टू डिसाइड, तो सबसे पहले मैनेजर कुछ चीज़ें डिसाइड करेगा कि विच स्टेप्स आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दैट गोल, ठीक। तो जो हम आज सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, आगे फ्यूचर में हमें इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ठीक हमें क्या करना होगा, कुछ उसके स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या स्टेप्स करेंगे कि इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजिंग जो हमारे एड हैं तो उसका हम डे बाई डे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, इन्वेंट्री एंड सेल्स ऑफ स्टॉक्स तो उसको भी हम करेंगे, यानी कि सपोज अभी हमारा जो एडवर्टाइजिंग चैनल है अभी यूट्यूब चैनल है, फिर हम मीडिया में, देन हम क्या क्या कर सकते हैं न्यूज़पेपर में अपना उसका जो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, देन हम कई टाइप से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वे में भी, तो इस टाइप से हम एडवर्टाइजिंग करके तो इससे हम कंपनी की सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी हमारा गैप था, जो भी हमारा फर्स्ट डिसाइड हम मैंने टारगेट डिसाइड कर रखा था वो गैप्स को इम्प्रूव करने के लिए धीरे 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 हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप्स हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप्स हमारा है जैसे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में फर्स्ट प्लानिंग, सेकेंड हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, थर्ड स्टाफिंग है और हमारा फोर्थ है डायरेक्टिंग और फिफ्थ हमारा क्या है कंट्रोलिंग, तो इसलिए हम वन बाई वन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका प्लानिंग हो चुका है, देन हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं
उसको हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहला हमारा काम वर्क क्या होता है, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो जो भी हमारी एक्टिविटी, जो हम काम वर्क करना चाह रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वर्क हमें करना है और किस टाइप से हमें वर्क करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, जो यानी कि हम छोटे छोटे क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। जो भी हमारी एक्टिविटी है जैसे सपोज फोर फोर पीपल्स के हम ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाने के बाद में उनको अपना अपना टारगेट बता देंगे कि आपको ये वर्क कंप्लीट करना है इतने समय में, आपको इस टाइप का वर्क कंप्लीट करना है, आपको इस टाइप का वर्क कंप्लीट करना है। तो दूसरा थर्ड पॉइंट हमारा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो भी वर्क हमें कंप्लीट करवाना है उसको हम क्या करेंगे, एक्चुअली उसको हम उस वर्क को धीरे धीरे असाइन कर देंगे बच्चों को। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी हमने जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हैं, जो भी हमने क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि जो हमें वर्क मिला है उसको हमें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज कोऑर्डिनेट कर रही है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे, बहुत अच्छा उसके साथ हमारा रिलेशन बिल्डअप हो, जिससे कि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हम लोगों के बीच में। इसके बाद में हमारा थर्ड पैरामीटर्स है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि पोजीशनिंग राइट पीपल राइट जॉब एट राइट टाइम, कि सही पर्सन को सही समय पे, ठीक है, जॉब देना जरूरी रहता है। जैसे सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन इंजीनियर की, तो हमें वो जिस पर्सन को डिज़ाइन का वर्क अच्छी तरीके से आ रहा है उसी को ही हमें रिक्रूट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो प्रॉपरली समय पूर्वक कंप्लीट हो जाए। तो इसके कुछ क्या है क्या प्रोसेस है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो भी हमारी रिक्रूटमेंट हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, वैकेंसी क्रिएट होती है, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके कुछ जो हमारे जो लोग उसके उसको उसके लाइक हैं वो अप्लाई करते हैं, देन हम उसको रेक्टिफाई करते हैं कि कौन से ये डिजर्व कैंडिडेट हैं, और उनको हम रेक्टिफाई करके देन शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, देन रिटेन, देन इंटरव्यू और फाइनल रिक्रूटमेंट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट भी एम्प्लॉय का करते हैं, डिसाइडिंग देयर रिम्यूनरेशन, और उसके उसी के आधार पे हम उनका रिम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं कि किस टाइप कितना उनकी सैलरी होगी। देन प्रमोशन एंड इंक्रीमेंटल, जो भी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, जो भी उनकी ईयरली परफॉर्मेंस होगी, उसी के बेस पे हम उनका इंक्रीमेंट डिसाइड करते हैं। इवेल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस, यानी कि डे बाई डे हम उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका रिम्यूनरेशन और उनका इंक्रीमेंट है वो डिसाइड होता है। कुछ इसके स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, जो कि सबसे पहला पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉय को, यानी कि डे बाई डे या समय पूर्वक हम उनकी वर्कशॉप क्रिएट करते हैं, FDP ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग है, वो उनकी इम्प्रूव हो सके। डिसाइडिंग देयर रिम्यूनरेशन एंड प्रमोशंस,
एवेल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हैं। मैन पावर प्लानिंग, और मैन पावर को हमें किस समय कहाँ पर यूटिलाइज करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन एंड प्लेसमेंट, तो इसमें हम ये भी रिक्रूटमेंट किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से प्लेसमेंट देते हैं, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स, तो ये सारे स्टेप्स हम स्टाफिक के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में हम डायरेक्टिंग, जो चौथा हमारा पॉइंट क्या है, जो चौथा पॉइंट हमारा डायरेक्टिंग है, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फोर्थ पॉइंट है। द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू मोटिवेटिंग, कमांडिंग एंड एक्टिवेटिंग पीपल्स। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कंपनी में या कॉलेज में आते हैं, तो उनको हमें डे बाई डे उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, उनको एक्टिवेट करना है, जिससे कि प्रॉपर वे में वर्क कंप्लीट हो जाए। द विलिंग एंड इफेक्टिव कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज पॉसिबल थ्रू द प्रॉपर डायरेक्शन, जिससे कि लोग एक्टिवेट होंगे, लोग एक्टिव होंगे, लोग मोटिवेट होंगे, तभी वो प्रॉपर बिलिंग तरीके से वर्क करेंगे। जब वो वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इजीली हम अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम इजीली अचीव कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर प्लानिंग से। दिस डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट मैनेजरल फंक्शन इन दैट इट हेल्प इन बिल्डिंग साउंड इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन रिलेशनशिप बिसाइड सिक्योरिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा रिलेशंस है, इंडस्ट्रियल और ह्यूमन रिलेशंस है, वो एम्प्लॉय और वर्कर्स के बीच में अच्छा बेटर रहेगा, और वो वर्कर्स एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय। तो हम टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शंस देंगे, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगे एम्प्लॉय को, जिससे कि वर्क प्रॉपर वे में कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी आर रिक्वायर्ड। तो डायरेक्टिंग के लिए हमें लीडरशिप की क्वालिटी भी जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कंट्रोलिंग, तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, मॉनिटर परफॉर्मेंस टू रीच द गोल। हमें सपोज हमने वीक का टारगेट लिया है कि 1000 प्रोडक्ट या 1000 पीस कम बनना चाहिए विद इन अ वीक, तो हमें डे बाई डे परफॉर्मेंस जो भी यानी कि प्रोडक्शन है पर डे का हमें चेक करना है। सपोज अगर हम 1000 को 7 से डिवाइड करें, तो अगर सपोज हमें फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज हम 150 प्रोडक्ट पर डे अगर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम इजीली अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। यस, ठीक है, आसानी से हम अपना कंप्लीट टारगेट कर सकते हैं। तो डे बाई डे हमें मॉनिटरिंग करनी है कि कितना आज का प्रोडक्शन हुआ, कितना कल का होगा, तो उसी से हमारा इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सुपरवाइजिंग ऑल बेसिक्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर सक्सेस ऑफ कंपनी। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे बेसिक फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो हमें डे बाई डे चेक करने होंगे कि आज का टारगेट प्रॉपर हुआ है, अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। आज अगर टारगेट कम अचीव हुआ है तो हमें कल का टारगेट इजीली बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम अपना प्रॉपर टारगेट अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट पैरामीटर्स है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन के, लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, तो कैसे हम लीडरशिप की क्वालिटी करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा ये है लीडरशिप के क्या डेफिनेशन होना चाहिए। लीडरशिप इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी होनी ही चाहिए। लीडिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म। तो लोगों के बीच में आप अगर लोगों को लीड कर रहे हो, जिससे कि आप इस टाइप से, जिससे कि सारे लोग आपकी बात ध्यानपूर्वक सुने, मोटिवेट हों, आपसे प्रभावित हों,
जिससे कि वर्क प्रॉपर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, लीडरशिप इज शिफ्टिंग ओन विजन टू हायर साइट्स, द रेजिंग ऑफ मेन परफॉर्मेंस टू हायर स्टैंडर्ड, द बिल्डिंग ऑफ मेन पर्सनालिटी। लीडरशिप से क्या है, जो भी हमारे गोल होते हैं वो इजीली अचीव हो जाते हैं सर। सपोज उससे हमारे जो मेन पावर है उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद में हु इज़ द लीडर, किसको हम लीड कर सकते हैं, कि वन दैट लीड और गाइड, जो लीड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वो लीडर हो। वन हु इज़ इन चार्ज और कमांड ऑफ अदर, जिनका लोगों के ऊपर कमांड हो, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज हो, तो वो लीडर कहलाएगा। वन हु हेड अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, तो वो भी एक लीडर होगा। वन हु हैज़ इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो जिनका पॉलिटिकल इफेक्ट है, या जिनका जो लोगों पे पॉलिटिकल नेचर में जिनकी कमांड है, जो कि जिनका अस्तित्व है, तो वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी मतलब सहानुभूति, यानी कि लोगों का अपना दर्द समझ के उसकी प्रॉब्लम को, जैसे सपोज अगर किसी की सैलरी वन डे की डिडक्ट हुई है, तो आपके पास चल के वो आता है कि सर हमारी एक दिन की सैलरी कट गई है और इस कारण की वजह से कटी है, जिससे कि, और मैंने उसकी प्रॉब्लम सुन के उस पर एक्शन लिया और उसका वर्क प्रॉपर तरीके, उसकी सैलरी रिटर्न करवा दी, वापस करवा दी, तो वो एकदम से अचानक से वो क्या होगा, वो हम लोगों से मोटिवेट हो जाएगा और हमारी हमेशा बात मानेगा। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग सेम स्टैंडर्ड और ओपिनियन और व्यवहार, तो हमेशा हमें टाइम टू टाइम अपना व्यवहार, अपना वो चेंज नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, यानी कि क्वालिटी और फैक्ट बीइंग, यानी कि जो भी हमें वर्क मिला है वो ऑनेस्ट पूर्वक हम उसको कंप्लीट कराएं और प्रॉपर वे में हम उसको टाइमली कंप्लीट कराएं। अपराइटनेस ऑफ फेयरनेस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि पाथ दैट समथिंग टेक्स, द पाथ दैट मस्ट बी टेकन टू रीच द स्पेसिफिक प्लेस, तो हमें इस टाइप से डायरेक्शन बताना है, जिससे कि जो स्टूडेंट है डे बाई डे उसके एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए और उसका जो मेन बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें बेटर रिजल्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक्ट ऑफ शेयरिंग, हम लोगों को अपनी बात प्रॉपर वे में समझा सकते हैं, अपने आइडियाज़ लोगों को प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं, फीलिंग्स बता सकते हैं, नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल, हमें हर हमेशा लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, एज्यूम ऑब्लिगेशन, ये कुछ लक्षण लीडरशिप में होना ही चाहिए, तभी हम उसको लीडरशिप कहेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इनिशिएट एक्शन, जो हमेशा हमें लोगों की प्रॉब्लम सुन के उसमें इनिशिएट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लोगों को उनकी बात हायर अथॉरिटी तक पहुंचानी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और प्रोवाइडिंग गाइडेंस देना चाहिए, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप लोगों के अंदर, अगर हम लोगों को प्रॉपर वे में हम गाइड करेंगे तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, इंस्पायरेशन होना चाहिए। रोल ऑफ लीडर, लीडर का रोल रहता है कि लीडर रोल इज ऑलवेज टू इंश्योर हर और हिज टीम अचीव द टास्क इन हैंड, मतलब हमेशा उसका लीडर का ये रोल होता है कि जो भी टास्क है अपनी टीम को मोटिवेट करके वो इजीली अचीव हो जाए। एफेक्टिव लीडरशिप विल इंश्योर दे मीट द मोर सुटेबल रिक्वायरमेंट, एफेक्टिव लीडर वो तभी कहलाएगा जिससे कि इजीली आप वर्क कंप्लीट करवा पाए प्रॉपर समय पर। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, दिस मोटिवेशन इज डिराइव वर्ड फ्रॉम द मोटिव,
मोटिव से ही मिलके बना है। मोटिव का मतलब होता है इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड दैट मूव्स या इनर्जाइज और डायरेक्ट आवर बिहेवियर टुवार्ड द गोल। तो कैसे हम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे अपने गोल की तरफ, किससे डे बाई डे हमारा जो गोल है इजिली हम मोटिवेट होके अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन टू अदर टू गेट डिजायर एक्शन। तो जो भी हमारी डिजायर हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उसको हम इजिली अचीव कर लें, इसीलिए हम मोटिवेट करते हैं। इन वर्क गोल कंटेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर स्टिमुलेशन द पीपल्स बिहेवियर कैन बी डिजायर फॉर मनी और सक्सेस। तो ये इससे कुछ मोटिवेशन के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जिससे कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिससे कि लोग सक्सेस हो जाते हैं और मनी भी काफ़ी कमा सकते हैं। करेक्टर जो उसके क्या करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशंस, कुछ उसके मोटिवेशंस के लक्षण होने चाहिए। देर आर टू डिजायरिंग इन मोटिवेशंस। पहला क्या है, फंडामेंटल नीड, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, शेल्टर्स हो गया, जो हमारा रहने का आवास हो गया, तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो इनको हम ध्यान में रख के हम मोटिवेट हो सकते हैं। ईगो सेटिस्फेक्शन इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। तो हमें ईगो सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, वो ईगो नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें इससे ईगो से होता है कि हम मोटिवेट नहीं हो पाते। दीज एबव फैक्टर्स एक्ट एज अ पावरफुल मोटिवेटर्स ऑफ बिहेवियर। तो हमारे क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से भी हम साइकोलॉजिकल से भी चेंज कर सकते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, लोगों को साइकोलॉजी चेंज करके। मोटिवेशन अफेक्ट होल इंडिविजुअल और इन पार्ट। मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, रिलेशनशिप बिल्डअप करना को वर्कर्स के बीच में, जैसे कि लीडरशिप का रोल होता है वर्क प्लेस, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, वर्क प्लेस इंसेंटिव होता है, डिवाइड या सैलरी में इंसेंटिव, कल्चर भी अच्छा हम बना सकते हैं, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी और गुड वर्किंग कंडीशन, ये सारे इसके मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं। थैंक यू सो मच। ये सारे हमारे फैक्टर्स थे, इसको हम आसानी से मोटिवेट इस टाइप से कर सकते हैं।